वर्जीनिया स्पोर्ट्स के मंच पर हमारे साथ मौजूद है और 2022 एशिया कप में भी हम भी लाइव। एशिया कप 2022 में आपसे मुलाकात हुई थी दुबई में, आपको याद होगा। क्या लगता है आज मोहाली में रोहित विराट के बिना टीम इंडिया जीती? खुश जीत रही है क्योंकि ये वर्ल्ड कप की कैंपियन थी और एशिया कप तो अभी जीत के आए, तो एशिया कप तो बहाना है, वर्ल्ड कप जीत के लाना है। अच्छा। ये शुरुआत हम ऑस्ट्रेलिया से ही, क्योंकि पहली मैच इंडिया को 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से चेन्नई में है, तो इसकी प्रिपरेशन तैयारी मैं 3 वनडे में करूँ और टीम इंडिया पहली मैच को जीत दर्ज करे। अच्छा, एशिया कप फाइनल की जो रिपोर्ट हो जाएगी 50 का ऑल आउट हो जाएगी? नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं जीतूंगा, हर हाल में जीतूंगा। चलिए एक बार शंख बजा दीजिए हमारे। ये संख नहीं, ये है जंगे ऐलान, टीम इंडिया सबसे महान। भारत माता की जय। ये थे हमारे साथ सुधीर जी और सचिन के सबसे बड़े फैन, स्पेशली सचिन के, क्या टीम इंडिया के सबसे बड़े फैन, जो लगभग 2 दशक से सुधीर जी जो है हर मैच में, चाहे इंडिया का मैच कहीं पर भी हो, इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, श्रीलंका हो, दुबई हो, हर जगह पर सुधीर जी जरूर पहुंचते हैं, एक बंदा आपको जरूर दिखता है। और साथ ही साथ राम बाबू, जिनका कल हमने इंटरव्यू लिया था, जो एमएस धोनी के सबसे बड़े फैन है, वो भी हमेशा हर मैच को देखने पहुंचते हैं। और देखिए, क्रिकेट को ये एक गेम नहीं, एक खेल नहीं, धर्म मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और देखिए, वो पूजा का जो नतीजा है वो ये है कि हर मैच में सुधीर आपको देखते हैं, सचिन के सबसे बड़े फैन उनको कहा जाता है। और आज भी मोहाली में टीम इंडिया को सपोर्ट करने आए हैं, लेट्स सी उनका सपोर्ट आज कितना टीम इंडिया के साथ रहता है, क्योंकि मोहाली में थोड़ा सा हाथ तंग रहता है टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू सो मच देखने के लिए इस वीडियो को।